जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैश टेक्निक एंड साइंस में। इस भाग में हम हल करेंगे गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 4.2 सरल समीकरण का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। और पहला समीकरण है, इसमें एक्स ऋण 1 = 0, एक्स ऋण 1 = 0। सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये चर राशि है या अचर राशि है, चर को अचर से पृथक कैसे किया जाए, क्या युक्ति हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि चर और अचर के बीच में जो चिन्ह लगा होता है हम उसके विपरीत कर देते हैं। जैसे इसमें एक्स ऋण 1 लिखा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, जितने उसमें से घटा जा रहे हैं। या यहाँ पे एक्स धन 1 होता तो हम ऋण कर देते, किस प्रकार से देखिए। लेकिन दोनों पक्षों में एक साथ करेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि जब हम कोई सामान क्रय करते हैं और वो तराजू पे तौल के देता है तो सामान एक पलड़े पर बांट होता है वजन हो और दूसरे पलड़े पर वस्तु होती है। वो वस्तु कब तक डाली जाती रहती है, जब तक कि दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। तो इसी प्रकार से ये है, ये डंडी है मान लीजिए, एक पलड़ा ये है दाहिना पक्ष और एक पलड़ा बायां पक्ष है। अगर दोनों में समान वजन चढ़ा दिया जाए डाल दिया जाए तो इनका संतुलन बना रहता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर एक जैसी प्रक्रिया दोनों के साथ की जाए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों से मतलब इस पक्ष में ये पूरा एक पक्ष है और ये शून्य अकेला दूसरा पक्ष है। तो एक्स ऋण 1 है, इसमें हम धन 1 और कर देते हैं, बराबर 0 और धन 1, 0 में 1 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आगे चल के अब ये ऋण 1 है और ये धन 1 है, तो इसमें से ये घट जाएगा, एक में से एक घट जाएगा, क्या बचेगा, अकेला एक्स, एक्स ऋण 0 है ना, बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक्स में से 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं आएगा, तो एक्स बराबर 1, ये समीकरण का हल हो गया। समझ में आया आ गया होगा आपको, यहाँ पर x में से एक घटाया जा रहा है तो हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया है, इसमें भी एक जोड़ दिया और इस पक्ष में भी एक जोड़ दिया। चलिए और दूसरा भाग देखते हैं, बी भाग है इसका, x धन 1 बराबर 0, इसमें एक घटाया गया था इसमें एक जोड़ा गया है। तो हमने क्या किया था, जिसमें जोड़ा गया था घटाना हुआ रहा था उसमें हमने जोड़ दिया था, इसमें जोड़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से एक घटा देंगे। ये चर को पृथक करने वाला चरण है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक पक्ष सॉरी घटाने पर, क्योंकि जोड़ तो है ही, दोनों पक्षों में से एक
घटाने पर एक्स धन एक और ऋण एक बराबर शून्य एक। तो यहाँ भी एक में से एक घट जाएगा तो क्या बचा, एक्स अकेला, एक्स धन शून्य, और यहाँ पर शून्य में से एक घटाया तो ऋण एक आया। एक्स में शून्य जोड़ा तो कोई अंतर नहीं आएगा, एक्स शून्य जोड़ने पर किसी भी राशि में हम शून्य जोड़ दें या घटा दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स बराबर ऋण एक, ये उत्तर हो गया। तीसरा देखें, तीसरा है सी कि एक्स ऋण एक बराबर पाँच, इसमें एक घटाया जा रहा है तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में जितने जोड़े जा रहे हैं दोनों पक्षों में से उतने घटा देंगे, या जितने घटाए जा रहे हैं उतने ही हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ओके, एक्स ऋण एक ये एक पक्ष हो गया, इसमें एक जोड़ दें बराबर पाँच धन एक। अब ऋण एक में एक जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, तो एक्स बराबर पाँच में एक जोड़ेंगे तो छः जाएगा, ये उत्तर हो गया। है ना, बहुत सरल है, ज़्यादा माथा पच्ची की आवश्यकता नहीं है इसमें। जो क्रिया उसमें हो रही है हम उसके विपरीत क्रिया कर देते हैं तो हल हो जाता है। अगला है डी, एक्स प्लस छ, एक्स धन छ बराबर दो। अब यहाँ पर एक्स में छः जोड़े जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में छः घटा देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, दोनों पक्षों में से छः घटाने पर ये चर को पृथक करने वाला चरण हो गया, तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, एक्स धन छः और ऋण छः, छः जोड़ना है तो हम छः घटा देंगे दोनों तरफ से, दो ऋण छः, छः में से छः घटाए तो एक्स अकेला बचा, और यहाँ पर दो में से छः घटाए तो ऋण चार, ये उत्तर हो। अगला है ई, ई है आपका वाई ऋण चार बराबर सात, वाई ऋण चार बराबर सात। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चार घटाए जा रहे हैं तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में चार जोड़ दें, पक्षों में से चार में चार जोड़ने पर जोड़ेंगे बाय ऋण चार धन चार बराबर सात ऋण चार, ऋण बाय ऋण चार में चार जोड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा, बाई बराबर सात में से चार घटा देंगे तो जोड़ना है घटाना नहीं है, सॉरी जोड़ने पर लिखा है तो जोड़ेंगे, है ना, तो बाई बराबर हो जाएगा सात और चार ग्यारह, यह उत्तर। एफ, अगला एफ नंबर का है, बाई ऋण चार बराबर ऋण सात, बाई ऋण चार बराबर ऋण सात,
करना कुछ नहीं है हमें दोनों पक्षों में। में चार जोड़ना है तो 2 × 4 = 4 = 7 × 4। तो ये 4 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 0, 2 × 0, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 × 2 = क्या आ गया आपका 3। ये उत्तर हो गया। अगला देखिए जी, बाई ऋण 4 = 4। इसमें 4 घट रहे हैं तो हम 4 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर 2 × 4 = 4 = 4। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 8। अगला है बाई धन 4 = 4। 2 × 4 = 4। यहाँ पे हम 4 घटा देंगे तो 2 × 4 = 4 = 4 × 4। तो ये घट गए और यहाँ भी 4 − 4 का 0, तो 2 का मान आ जाएगा 0। और अगला है अंतिम 2 × 4 = 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 जोड़, इसमें 4 घटा देंगे तो 2 × 4 = 4 = 4 और 4। तो ये इसमें से घट गए, ये बचा 2 × 4 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न 4.2 का। मिलते हैं अगले प्रश्न का हल लेकर। टिल देन वंदे मातरम, पढ़िए कहीं भी सीखिए हमारे साथ। जय हिंद।